हेलो गाइस, थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे यहाँ पे इस फोन में आ रहा है सेल्फ मोड। तो ये मोड कैसे हटाएंगे, यहाँ पे पावर का बटन का की दबाएंगे, जो पावर ऑन करते हैं उसको प्रेस करके रखे रहेंगे। और देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आ रहा, और यहाँ से इसको रीसेट करना है। रीसेट करने से आपका जो फ़ोन है पासवर्ड डाल के, अपना जो है सैमसंग फ़ोन है, बिना पासवर्ड का कोई फ़ोन स्विचअप नहीं होता और रीसेट भी नहीं होता है। तो यहाँ पर रीसेट करेंगे और आपका जो है प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं क्लियर बताने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों आया था। सबको तो नहीं पता होगा, लेकिन इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। पूरा वीडियो को देखिएगा तभी जाकर आप समझ पाइएगा फ्रेंड ये प्रॉब्लम क्यों आता है और किस लिए आता है। तो चलिए फ्रेंड, अभी मैं दिखाऊंगा फ़ोन में पूरा अब हट चुका है और पासवर्ड डालते हैं और इसमें देखते हैं चला के। तो ये सैमसंग का फ़ोन का प्रॉब्लम है। अगर सैमसंग का फ़ोन आपका है तो ऐसा प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है ज़्यादा छिड़खानी करने से, और किस कारण से आता वो भी दिखाता हूँ फ्रेंड। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है जिससे हम लोग बहुत ही घबरा जाते हैं कि कुछ कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सब नहीं चल पाता है, या डाउनलोड किया हुआ एप्लीकेशन चला नहीं पाते हैं, यूट्यूब नहीं चला पाते हैं, तो ऐसा कुछ होता है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ ऐसा कैसे होता है। यहाँ पर आएँगे, पावर बटन को क्लिक करेंगे, पावर मोड को दो थोड़ा सा देर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ग्रीन आ जाएगा, और ग्रीन आने के बाद ये सेफ मोड यहाँ पर लिख रहा है, और यही ग्रीन आने के बाद यहाँ पर आपसे क्लिक हो गया होगा और ये सेफ मोड में फ़ोन आपका चला गया होगा। तो देखिए मैं अभी क्लिक करूँगा और यहाँ से देखिए सेफ मोड में फ़ोन हमारा चला गया। अब जब भी ऑन होगा हमारा फ़ोन सेफ मोड में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, अभी यहाँ मेरा फ़ोन ऑन हो रहा है और देखिएगा अभी आप यहाँ पर सेफ मोड आएगा ही आएगा। तो ऐसा ही कुछ रीज़न हुआ, आप जानबूझ के तो नहीं करते हैं लेकिन हो जाता है। तो यहाँ पे सेफ मोड दिखा रहा है जिसमें एप्लीकेशन आप चला नहीं पाएंगे, जिससे कि अभी आपको दिखाते हैं कौन कौन सा एप्लीकेशन इसमें चला नहीं पाएंगे। पासवर्ड डालते हैं पहले फ्रेंड, क्योंकि मेन तो पासवर्ड ही है। चलिए पासवर्ड हमारा रॉन्ग हो गया, एक बार वो डालते हैं। चलिए हमारा पासवर्ड खुल गया और फ़ोन स्टार्टिंग हो रहा है, और ये सेफ मोड में हमारा फ़ोन अभी है। और दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या नहीं चल पा रहा। देखिए यहाँ पे नीचे में यूट्यूब हो गया, ये सब हो गया, लगभग जो एप्लीकेशन हम चला नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ आता है तो इजीली इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से मैंने किया और यहाँ पर रीसेट कर देना है और आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको रीसेट करते हैं। फिर से पासवर्ड डालते हैं और देखिए हमारा जो है प्रॉब्लम अभी फिर से सॉल्व कर देते हैं आपको। तो चलिए फ्रेंड, हमारा जो फ़ोन जब तक रिस्टार्ट होके चालू हो रहा है तब तक हमारे चैनल को जो नया नया देख रहे तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको तुरंत तुरंत मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। फिर से नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं।